पार्टी के कार्यकर्ता का रोल अदा करने लगे और उसके हिसाब से वो चिन्हित करके लोगों को बीच दहशत पैदा कर लगे। मनोबल को तोड़ने का और एक भय पैदा करने का खेल है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फोर नेशन पर। बिहार के मोकामा में उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों से पहले वहां पर जो है एक तरीके से कहें कि पुलिस गुंडागर्दी दिखने को मिली है, ये बड़ा आरोप लगाया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पटना के PMCH पहुंची और वहां पर लोगों से मुलाकात करके विजय सिन्हा ने गुस्से का इजहार किया। कहा कि पुलिस वाले जो हैं वो पार्टी यानी कि जो नेता हैं उस तरीके से काम कर रहे हैं और जाति विशेष को टारगेट करके उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मोकामा में उपचुनाव होने हैं और उपचुनावों के पहले ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मोकामा में बीते दिन समयागढ़ गांव में जो है पुलिस के द्वारा ग्रामीणों को के साथ मारपीट की गई है। आरोप है कि धारा 107 के तहत एक व्यक्ति को पकड़ने गई पुलिस पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में जो है फोर्स भेज करके गांव के लोगों को पुलिस ने पकड़कर पीटा है और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। FIR और घटना पर बोलते हुए विजय सिन्हा ने कहा है कि इस पूरे मामले की जो सरी जांच होनी चाहिए, जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रशासनिक अराजकता का ये बड़ा उदाहरण है और संयोग से उस क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। अब प्रशासन पार्टी के कार्यकर्ता का रोल अदा करने लगे और उसके हिसाब से वो चिन्हित करके लोगों को बीच दहशत पैदा करी, लोगों को फंसाने का काम करी, इस तरह के माहौल खड़ा करे, ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग बात करेंगे, चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत हो, उस दरोगा को वहाँ से ट्रांसफ़र करनी चाहिए। वैसे दरोगा जो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे और जो बाहर से छठ पर्व में आया था, वो आदमी के ऊपर पहले से किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। 107 के नाम पर अगर जो उन्होंने कुछ बोला कि 107 में वसूली का आप जो वातावरण बना रहे हैं ये गलत है और इसी को लेकर के इसको टारगेट करके के थाना खींच करके ले जाना, उतनी बुरी तरह से पीटना, ये कहाँ से लोगों के मनोबल को तोड़ने का और एक भय पैदा करने का खेल है। सरकार में बैठे कुछ लोग इस तरह के कारनामा अगर जो कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है, इसकी शिकायत होगी और प्रशासन के लोग उच्च पदाधिकारी से हम बात करेंगे कि आप इसका उच्च स्तरीय जांच करें। और FIR में जो लोग नाम दिए हैं, FIR में इन्होंने कहा है कि एक ही जाति के लोग, चाहे 30-40 लोग, तो जब जाति के जब सबका जाति चिन्ह रहे हैं तो फिर आप उसका नाम क्यों नहीं बताए? आप इस तरह के भेग में डाल करके एक दहशत पैदा करना चाहते हैं और उससे वसूली का वातावरण बनाना चाहते हैं, चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, यह दुखद है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी और ऐसे लोगों को संरक्षित करने वाले पर कार्रवाई हो और इस पर चुप नहीं बैठेगी।